झारखंड में हुई लूट व हत्या की बड़ी घटना का गाजीपुर पुलिस ने अनावरण करते हुए लूट व हत्या में शामिल एक वाछिंद व 25,000 के इनामिया अभियुक्त को थाना कोतवाली व स्वॉट टीम की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा अपराध व अपराधियों की रोकथाम के लिए चेकिंग हेतु दिए गए आदेशों निर्देशों के क्रम में रात 11 बजे थानाध्यक्ष कोतवाली के द्वारा अंधवा मोड़ पर मय हमराही कर्मचारीगण के बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से दो संदिग्ध व्यक्ति बैरिकेडिंग से बचते हुए व गाली देते हुए भागने का प्रयास करते हुए भाग निकले, जिस पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अपने वाहन से उक्त संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करते हुए कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया। कंट्रोल रूम की सूचना पर जमानिया मोड़ तिराहे पर चेन किक कर रहे रजदेपर चौकी इंचार्ज द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो उन पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भाग निकले। रजागंज चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही एसओजी टीम को जरिए कंट्रोल सूचना प्राप्त पर एसओजी टीम कोतवाली क्षेत्र की तरफ बढ़ी तथा एसओजी टीम व कोतवाली पुलिस के द्वारा सुखदेव चौराहे के पास रेलवे ब्रिज के ऊपर उक्त संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान भी बचकर भागने का प्रयास करते हुए उक्त संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फिर से फायर किया गया। पुलिस टीम के जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश दिलीप यादव पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी ग्राम रतुआ पार पोस्ट गोविंदपुर आजमगढ़ के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। मोटरसाइकिल सवार अन्य 01 व्यक्ति भागने में सफल रहा। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति झारखंड के सरायकेला से लोड होकर पश्चिम बंगाल के लिए निकली हुई ट्रक की लूट की घटना व मूल चालक की हत्या की घटना में इनाम घोषित वांछित अभियुक्त है। मौके पर से फरार होने में सफल अभियुक्त के नाम पते के संबंध में व घटना के संबंध में अन्य लाभप्रद जानकारी प्राप्त करने हेतु अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। देखिए, कुछ न दिवस पहले झारखंड से रांची बाईपास एरिया में एक मर्डर करके कुछ व्यक्तियों ने लाश वहां पे ड्राइवर की फेंकी थी। एक ट्रक लूट की घटना सामने आई थी। इस पूरे प्रकरण में ट्रक और कुछ व्यक्ति जो है वो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे थाना क्षेत्र सुहवल में। कुछ व्यक्ति वहां से जो अपराधी थे वहां से फरार होने में कामयाब हुए थे। आज एक 25,000 रुपये का इनामी दिलीप यादव की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। बैरिकेडिंग डाल के चेकिंग करते हुए उसको वार्निंग दी गई रुकने के लिए। वे व्यक्ति जब नहीं रुके तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस एसओजी टीम और थाना अध्यक्ष कोतवाली की टीम ने जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में दिलीप यादव घायल हुआ है। श्रवण यादव वहां से फरार हुआ है। श्रवण यादव की गिरफ्तारी हेतु दो टीमों का गठन करके भेजा गया है। आज एक यहां पे मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा, 4 कोका कारतूस यहां से रिकवर हुआ है।